वो मंजर भी दुनिया ने देखा कि हुजूर के मुबारक कंधों पर हुसैन इब्ने अली बैठे हैं और हुजूर की जुल्फों को पकड़ा हुआ है। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु देख के कहते हैं, वाह वाह कैसी सवारी मुयस्सर आई हुसैन इब्ने अली को। तो मेरे आका मुस्करा के कहते हैं, उमर सवारी देखते हो, सवार भी तो देखो। अल्लाह अकबर। हजरत उसामा बिन जैद बिन हारसा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रात का एक पहर गुजर गया और मुझे हुजूर से कोई काम था। मैं आका करीम की खिदमत में हाजिर हुआ, दरे दौलत पे दस्तक दी। हुजूर तशरीफ लाए तो चादर ओढ़ी थी, बुक्कल की हुई थी मेरे हुजूर ने। तो मैंने अपनी हाजत कही तो हुजूर ने मेरी हाजत पूरी कर दी। लेकिन एक मंजर मैंने देखा कि हुजूर ने जो चादर की बुक्कल फरमाई थी उसके अतराफ में पहलुओं में उभार थे जिस तरह अंदर कोई हो। मुझसे ना रहा गया, मैंने पूछ लिया। मैंने कहा, बंदा नवाज चादर के अंदर क्या है? फकाशफहु, तो हुजूर ने चादर को खोल दिया। फैज़ल हसन वल हुसैन अला वरकैह, तो कहते मैंने अपनी आंखों से देखा, एक पहलू से इमाम हुसैन लिपटे हुए थे, एक पहलू से इमाम हसन लिपटे हुए थे। फरमाया, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं, ए अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार कर, जो इनसे प्यार करे उससे भी प्यार कर। इनकी मोहब्बत का दर्स दिया, इनके प्यार का सबक पढ़ाया। कहा, इनसे प्यार करने वाला मेरे से प्यार करने वाला है, इनसे बूझ रखने वाला मेरे से बूझ रखने वाला है। उनकी तकलीफ हुजूर को बेचैन कर देती थी। हजरत सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर के करीब से गुजरे तो हजरत इमाम हुसैन के रोने की आवाज आ रही थी। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा हुसैन को चुप करवाओ। अल्लाह ताला में अन्ना बकाअहू योजीनी, तू जानती नहीं हुसैन का रोना मुझे दुख देता है। हुसैन इब्न अली को हुजूर रोने नहीं देते थे, उनको दुखी नहीं होने देते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये कितने दुख सहेगा, कितनी तकलीफों से गुजरेगा और कितने मसाइब सहेगा। जमाने ने वो घड़ियां भी देखी कि हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर की खिदमत में नमाज मगरब की अदायगी के लिए हाजिर हुआ और मैंने ये इजाज़त ख़ास तौर पे अपनी माँ से इस शर्त पे ली थी कि अम्मी आप मुझे इजाज़त दें, मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर होता हूँ, मगरब की नमाज भी अदा करूँगा और फिर हुजूर से अर्ज़ करूँगा, हुजूर मेरे लिए और मेरी माँ के लिए बख्शिश की दुआ कर दीजिए। माँ ने इस शर्त पे इजाज़त दे दी और मैं हुजूर की खिदमत में आ गया। नमाज मगरब अदा की, सलाम फिरा, तो मेरे दिल में आरजू थी मैं हुजूर से अर्ज़ करूँ, हुजूर मेरे लिए और मेरी माँ के लिए मगफरत की बख्शिश की दुआ कर दें। लेकिन हुजूर इबादात में, जिक्र में, नवाफल में ऐसे मशगूल हुए कि मैं आरजू रखने के बावजूद भी अर्ज़ न कर सका। खैर, नमाज इशा का वक्त हुआ, अजान पुकारी गई, हुजूर मुसल्ले पे आए, नमाज पढ़ी, सलाम फिरा, तो मेरे दिल में फिर ख्याल आया कि माँ से एक नमाज की छुट्टी ली थी, नमाजें भी दो हो गईं, माँ ने जाते ही पूछना है, हुजूर से मेरे लिए और अपने लिए मगफरत की बख्शिश की दुआ करवाई थी तो क्या जवाब दूंगा। और हुजूर उठे और काशाना अकदस की तरफ चल दिए। अब मेरे दिल में यह ख्याल रह रह के आ रहा था कि माँ को क्या जवाब दूंगा, मैं तो हुजूर से बख्शिश व मगफरत की दुआ करवा ही नहीं सका। जब हुजूर चल पड़े तो गैर इरादी तौर पे मैं भी हुजूर के पीछे चल पड़ा। चलने में थोड़ी सी रफ्तार तेज हो गई जिससे कदमों की आहट पैदा हुई। तो जब आवाज पैदा हुई तो हुजूर ने रुख फेरे बगैर फरमाया, मन हाजा, मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है? फिर खुद ही कहा, हुज़ैफ़ा तो, हुज़ैफ़ा तो नहीं। तो मेरा दिल धड़क रहा था, कुल तो नाम, मैंने कहा, जी जी हुजूर मैं हुज़ैफ़ा हूँ। फरमाया, मा हाजतों का गफर अल्लाह लका वाले उम्मे का, क्या काम है? अल्लाह तुझे भी बख्श दे, तेरी माँ को भी बख्श दे। अब जो काम था वो जुम्बश लब से पहले ही हो गया। यहां तो लफ्जों का सहारा भी नहीं लेना पड़ता, वो बंद लबों की बोलियां भी सुनते हैं। इकबाल बोला है, फरोगत सुबह आसारो दहूर, चश्मे तू बीनिंदाए माफ़ सुदूर, तेरी नजर तो सीनों के छुपे राज भी देखती। तो कहा, मा हाजतों का गफर अल्लाह लका वाले उम्मे का, अल्लाह तुझे बख्श दे, तेरी माँ की भी मगफरत कर दे, क्या काम है? अब जो काम था वो तो हो गया। तो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुज़ैफ़ा सुनो,
अभी अभी एक फरिश्ता आया है जो इससे कबल धरती पर पहले कभी नहीं आया। आज पहली मर्तबा अल्लाह से इजाजत लेके दो काम करने आया है, एक तो मुझे सलाम करने आया है और दूसरा खुशखबरी देने आया है कि आपकी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है और हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। एक तरफ यजीद नापाक मैसून का पलीत बेटा और एक तरफ मोहम्मद अरबी का नवासा, फातिमा के दूध का असर, अली अल मुर्तजा के खून की तासीर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे बैठने वाला। एक दिन हुजूर ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पकड़ लिए और उनके पांव अपने पांव पे रखे और फिर फरमाया बेटे आगे बढ़ो और उनके पांव हुजूर की पिंडलियों पे आए, फिर कहा बेटे और आगे बढ़ो हत्ता कि उनके पांव हुजूर की रानों पे आए, फिर फरमाया बेटा और आगे बढ़ो तो उनके पांव हुजूर के मुबारक बतने अकदस पे आए, फिर बाजुओं को खींच के अपने करीब किया और हुसैन इब्ने अली के मुंह में अपनी जुबान रख दी और वो इस तरह चूस रहे थे जिस तरह खजूर चूसी जाती है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने हुसैन इब्ने अली को अपनी जुबान का लुआब दहन दे करके, वो शीर रहमत दे करके, वो कौसर तस्लीम से पाकीजा तर आब रहमत अता करके उनकी हमेशा के लिए प्यास बुझा दी ताकि कल करबला के तपते हुए रेगजार में हुसैन इब्ने अली को प्यास की शिद्दत तंग न करे और पाए इस्तिक्लाल में लगजश ना आने पाए। इन नाजों से पाले हुए हुसैन को, इन मोहब्बतों से पाले हुए हुसैन इब्ने अली को इम्तिहान भी इतने बड़े दरपेश थे। यारी तेरी सोना पर अजमैशा तेरियां अग, सोना परखिया जामदा है नाल अग्गां दे लग। जितना बड़ा शख्स होता है उतनी आजमाइशें भी बड़ी होती हैं। पैगंबर रहमत की आगोश में खेलने वाला हुजराए फातिमा का जानशीन, मुसल्ला रसूल का वारस, मिंबरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुजूर के मुबारक पहलू और गोद में बैठने वाला हुसैन, हुजूर की जुबान चूसने वाला हुसैन, हुजूर के कंधों पे सवारी करने वाला हुसैन, आका करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक सजदे की हालत के अंदर हुजूर की पुश्त पे खेलने वाला हुसैन। कयामत तक हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने अपनी सुन्नत को बतौर नमूना छोड़ा और फरमाया वलकुम फिया उस्वा, मैं इसलिए खुद करबला के रेगजार के अंदर एक अनोखी दास्तां रकम करने जा रहा हूं ताकि कयामत तक लोगों के लिए मेरी जिंदगी एक नमूने के तौर पे मौजूद रहे और जबर के खिलाफ लोग टकराने का हौसला रखें। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने करबला की उस दोपहर के अंदर जो अजीमत की दास्तां रकम की और जिस तरह जबर के सामने पूरी कुव्वत से सीना तान के खड़े हो गए, 22,000 अफराद के सामने तने तनहा शख्स का डट जाना ये कोई तमाशा नहीं है। 72 अफराद के जख्म कलेजे पे मौजूद हैं और अपने भाइयों बेटों भतीजों और भांजों के लाशें उठा उठा के आप खैमों तक ला चुके हैं। आपके हाथों के अंदर अली असगर दम तोड़ चुके हैं और जवान अली अकबर आप उसको उठा के खैमे तक ला आए हैं। तो इतनी जुर्रत और इतनी पामर्दी के साथ 71 लाशें लाइन के अंदर पड़े हैं। घर में एक मैयत हो जाए सारा शहर संभाला देने वाला होता है, फिर भी दुख नहीं थमता। कहते हैं छोड़ दो, इसका कलेजा कट गया है, इसका जवान रुखसत हो गया है, इसके सीने का चैन लुट गया है, सलाम करो हुसैन इब्ने अली को। 71 लाशें लाइनों में लगे हुए हैं, बेगोरो कफन लाशें पड़े हुए हैं और उधर खेमे के अंदर पर्दादारों के पर्दे का भी लिहाज है। लेकिन फिर जब घोड़े की जीन को कस के मैदान करबला में नबी का नवासा निकला, जब 3 दिन का प्यासा करबला के रेगजार के अंदर मैदान करबला के अंदर जुल्फकार तलवार लहराता हुआ आया, शबीह रसूल रसूल करीम की तस्वीर, जब मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन तलवार को लहराते हुए आए तो आवाज आ रही थी ये कौन सी वकार है, ये कौन शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, तमाम जिसमें नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ।
फिर भी है डटा हुआ, ये नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। तो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किस अंदाज के साथ जबर के खिलाफ पूरी कुव्वत से खड़े होकर के दुनिया के सामने अपना उसवा रकम किया, और घोड़े की जीन से जब फर्श जमीन की तरफ आए, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त सर जो था वो सजदे में था, और सजदे की हालत के अंदर दस्ते कातल ने सरे हुसैन को तने हुसैन से अलग किया। ये दुनिया के सामने हजरत इमाम ने अपना उसवा रखा कि यही तो पैगाम मैं देने आया हूं, यही तो जो है वो तहरीर मैंने करबला की रेत पर अपने खून से रकम करनी थी कि ये सर कट सकता है लेकिन झुकेगा तो सिर्फ अपने मालिक की चौकट पर झुकेगा, यजीद के सामने ये सर झुक नहीं सकता है। तो हजरत इमाम हम्माम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के तपते हुए रेगजार में जब 72-73 लाशें खेमों के सामने पड़े थे और इतने जख्म कलेजे पे थे, रावी कहता है कि जब आपकी कमीज उतारी गई तो 113 सुराख उसमें तीरों के थे, 33 जख्म नेजों के थे, 34 घाव तलवारों के थे, इतने जख्म जिस्म के अंदर और जिस्म चूर है जख्मों से। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने जब पेशानी सजदे में रखी तो आखिरी लफ्ज ये थे, अल्लाहुम्मा रज़न बिकज़ाइका व सबरन अला बलाइका तस्लीमन ले अमरेका सुबहान रब्बी अल आला। मालिक तेरी तकदीर पे राजी हो गया हूँ, मालिक जख्म से पे भी मैं मुस्करा रहा हूँ, मालिक तेरी तरफ से जो दुख आए मैंने उनको कबूल किया, जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावा, मालिक मैं सब कुछ कबूल किया, हुसैन तेरी रिजा पे राजी है, मेरे मालिक तू भी बता तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ है। आवाज आ रही थी इस प्यासे पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, औरों ने भी सजदा किया पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज शे आले नबी तुम पर सलाम। ये दुनिया के सामने हजरत इमाम ने अपना उसवा रखा कि यही तो पैगाम मैं देने आया हूं, यही तो जो है वो तहरीर मैंने करबला की रेत पर अपने खून से रकम करनी थी कि ये सर कट सकता है लेकिन झुकेगा तो सिर्फ अपने मालिक की चौकट पर झुकेगा, यजीद के सामने ये सर झुक नहीं सकता है। तो हजरत इमाम हम्माम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के तपते हुए रेगजार में जब 72-73 लाशें खेमों के सामने पड़े थे और इतने जख्म कलेजे पे थे, रावी कहता है कि जब आपकी कमीज उतारी गई तो 113 सुराख उसमें तीरों के थे, 33 जख्म नेजों के थे, 34 घाव तलवारों के थे, इतने जख्म जिस्म के अंदर और जिस्म चूर है जख्मों से। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने जब पेशानी सजदे में रखी तो आखिरी लफ्ज ये थे, अल्लाहुम्मा रज़न बिकज़ाइका व सबरन अला बलाइका तस्लीमन ले अमरेका सुबहान रब्बी अल आला। मालिक तेरी तकदीर पे राजी हो गया हूँ, मालिक जख्म से पे भी मैं मुस्करा रहा हूँ, मालिक तेरी तरफ से जो दुख आए मैंने उनको कबूल किया, जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावा, मालिक मैं सब कुछ कबूल किया, हुसैन तेरी रिजा पे राजी है, मेरे मालिक तू भी बता तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ है। आवाज आ रही थी इस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, औरों ने भी सजदा किया पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ऐ हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज शे आले नबी तुम पर सलाम। आज लहजा भी दम तोड़ रहा है और सूरज भी दर्दे गुरूब से जर्द हो रहा है, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि मैं इस मजमून को छेड़ू, आओ हम सलाम करते हैं। ये सूरज सामने चमक रहा है, मैं यहाँ बैठा सोच रहा था कि हमने तो नहीं देखा, ऐ सूरज दोपहर का वो मंजर तुमने तो देखा था, जब करबला में हुसैन का सर कटा था, जब घर लुटा था, जब खेमों को आग लगी थी, जब सकीना रो रही थी और जब घोड़ा खाली पलटा था और सकीना पूछती थी घोड़े तू खाली आ गया है हुसैन कहाँ छोड़ाया है, आज ये सूरज ये चमक चमक के वो हमें कहानी सुना रहा है और हमें पैगाम दे रहा है कि नबी के नाम पे हुसैन ने तो सर कटा दिया। आज तुम कहते हो दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है, तुम शोर डाल रहे हो, जिनके लिए मस्जिदों में कालीन बिछे हुए हैं, गर्म पानी दस्तयाब है और उनके लिए मस्जिदों में आसाइशें मौजूद हैं और फिर भी वो कहते हैं दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। जरा देखो हुसैन इब्ने अली को सजदे में सर रख के
पेशानी रब के हुजूर रख के हुसैन इब्ने अली कह रहे हैं, मालिक मैं सर कटा के भी तेरे हुजूर हाजिर हूं और तुझ पे राजी हूं, तू भी बता के तू भी हुसैन पे राजी है या नहीं है। ऐ हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम, तुम पे लाखों रहमतें लाखों सलाम। ऐ शहीदाने मोहब्बत के इमाम, लाला गूं लाला बदन लाला चमन, ऐ चमन अंदर चमन अंदर चमन, जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात, ऐ हयात अंदर हयात अंदर हयात, इफ्तखारे मिल्लते बैजा है तू, रब्बे काबा की कसम यकता है तू, फखर का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। आज हम नाज करते हैं हुसैन इब्ने अली पे, हम आ हुसैन वाले नहीं हैं, हम वाह हुसैन वाले हैं। वाह हुसैन तेरी अजमत को सलाम, इतने जख्म कलेजे पे हो तो खड़ा नहीं हुआ जाता, लेकिन जबर के खिलाफ कितनी कुव्वत से खड़ा है। हुसैन इब्ने अली ने अपना नमूना लोगों के सामने रखना था, तो इकबाल कहता है, सुरख रू इश्के गयूर अज खूने ऊ, शोखिये ई मिसरा अज मजमूने ऊ। यजीद मिट गया, यजीद का नाम मिट गया, उसका तशख्खुस मिट गया, हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। मरता तो वो है जिसकी फिक्र मर जाए, मरता तो वो है जिसका नस्बुलैन मर जाए, मरता तो वो है जिसका मिशन खत्म हो जाए। हुसैन का नस्बुलैन जिंदा, हुसैन की फिक्र जिंदा, हुसैन का मिशन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन का नाना भी जिंदा। आज भी हजारों करोड़ों अरबों इंसान हुसैन का नाम लेके जी रहे हैं। मैं कहता हूं अगर कोई यजीद का नाम भी लेता है तो वो सर झुका के देता है। कैसा तुम्हारा लीडर है जिसका नाम लेते हुए भी तुम्हें शर्म आती है, नाम लेने से पहले सर झुकाते हो, नाम लेते हुए पसीना पसीना होते हो, नाम लेने के बाद मुंह छुपा लेते हो, तुम्हें अपने कायद और अपने लीडर का नाम लेते भी शर्म आती है, और जब हमारे लबों पे नामे हुसैन आता है हमारा कद ऊंचा हो जाता है, हमारा सर फखर से बुलंद हो जाता है। फखर का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। तो हुसैन इब्ने अली ने किसी ने कहा था कि ये दो शहजादों की जंग थी, तो किसी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, उसने कहा करबला जंग थी अगर दो शहजादों की, कलम में जोर है तो लिखो हुसैन हार गए, लहजे में तंतना है तो लिखो हुसैन हार गए, अंदाज में जोर है तो कहो हुसैन हार गए। जमाना कल भी कहता था, जमाना आज भी कहता है, हुसैन कल भी जीता था, हुसैन आज भी जीता है। जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर नवर काट लिया गया और खोली बिन यजीद ने नेजे की नोक पे उसको रखा, वैसे रुख सर का जमीन की तरफ से था, किसी ने क्या खूब कहा, बांह के सर नेजे पे और सूए जमीन है रू, यानी सजदाए सानी की है आरज़ू। रकत के दो सजदे होते हैं, एक सजदा हुआ था कि सर अनवर जुदा कर लिया गया, जब नेजे की नोक पे था सर तो रुख जमीन की तरफ से था। शायर कहता जरा गौर से देखो सर हुसैन क्या कह रहा है, सरे हुसैन की पेशानी जमीन की तरफ है, पेशानी में दूसरे सजदे की आरजू मचल रही है। तो जब इमाम हुसैन का सर खोली ने नेजे की नोक पे चढ़ाया, उसने तो यह कहना चाहा था कि हम फतह याब हुए और देखो हमने सर काट लिया, किसी ने कहा जरा गौर से देखो ये तो सर कट के भी सर बुलंद है, ये सर कट गया फिर भी सर बुलंदी नहीं गई है, इसका बांकपन फिर भी नहीं गया है। हुसैन का सर कल भी ऊंचा था, हुसैन का सर आज भी ऊंचा है, उसका नाम जिंदा, उसका पैगाम जिंदा, उसकी फिक्र जिंदा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये करबला के वो शख्स हैं जिन्होंने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था, इतने दुख किसी को नहीं पहुंचे जितने ज़ैनब और ज़ैनुल आबिदीन को पहुंचे हैं, सब मंजर खुली आंखों से देखा। 14 साल की उम्र है, बीमार है, तारीख बताती है उसके बाद सारी जिंदगी हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने ठंडा पानी नहीं पिया, जब पानी पीने लगते तड़पने लगते, कहते मुझे सकीना की प्यास याद आती है, मुझे अली असगर का तड़पना याद आता है, सारी जिंदगी फिर ठंडा पानी नहीं पिया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये सारा मंजर खुली आंखों के साथ देखा था, और फिर आपने दमिश्क के बाजारों में भी और कूफे की गलियों के अंदर भी सरों का ये काफिला अपनी कयादत के अंदर जो है वो गुजारा था। जब यजीद के दरबार के अंदर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचे तो यजीद ने पहले तो जो है वो दुख का इजहार किया। बाज लोग यहां से यजीद की बरियत का ऐलान करते हैं, यहां किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि कातिल की पशेमानी
मकतूल की अहमियत को तो बढ़ा सकती है लेकिन उसके दामन से कत्ल के दाग को नहीं धो सकती। तो उसने ये सब कुछ किया, ये बस उसके टसले थे जो वो बहाने लगा, लेकिन बाद में उसने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के दांतों के ऊपर जो है वो छड़ी मारना शुरू कर दी। तो हजरत अबू बरजा असलमी सहाबी रसूल वहां मौजूद थे, वो खड़े हो गए, उठ गए, बदन कांपता है उनका, कहने लगे जालिम इरफा कदीबा का, यहां अपनी छड़ी हटा ले, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यल से महू, हुजूर ने इन होंठों को खुद चूमा है। तो यह कह के आप दरबार से निकल गए और रोते थे और आपके बदन पे कब की बितारी थी। बाद में यजीद ने कहा हजरत गलती हो गई और ये मैं नहीं चाहता था, बताएं आपकी कोई शर्त हो। तो आपने फरमाया मेरी चार बातें मान लो। उन चार बातों में एक बात यह थी कि सरे हुसैन और सरे शहीदा हमारे सुपुर्द कर दो ताकि हम करबला जाके इनकी तदफीन कर सके। दूसरी ये था कि हमें मदीना हफाजत से पहुंचा दो। तीसरी शर्त यह थी कि मुझे जो है वो जुमे का खुतबा देने की इजाजत दो आज दमिश्क जामे मस्जिद के अंदर। चौथी बात आपने ये फरमाई कि कातलान हुसैन जो है वो मेरे सुपुर्द करो। उसने कहा कौन है कातिल हुसैन का? लोगों ने कहा खोली है। खोली ने कहा मैंने कत्ल नहीं किया, ये सनान बिन अंस नखी ने किया है। सनान बिन अंस नखी को कहा हाँ तू बता, कहने लगा मैं कत्ल क्यों करना था, ये तो शिमर जिल जोशन ने किया है। शिमर जिल जोशन को कहा तू बता, कहने लगा मैंने कत्ल नहीं किया, मेरा कौन सा, हुसैन ने कुछ बगाड़ा था, कत्ल उसने किया है जिसकी हुकूमत को खतरा था। तो ये है वो है कातिल हुसैन का। अब यजीद कहने लगा तुम्हारी ये शर्त तो मैं पूरी नहीं कर सकता, ये बात तो पूरी नहीं कर सकता, अब खुतबा दे लो। अब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुतबा देने के लिए खड़े हुए। खताबत तो इस घर की लौंडी है, जब ये बोलते हैं तो हिकमत के मोती डोलते हैं। जो ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए, 14 साल उम्र है और दमिश्क की जामे मस्जिद है, यजीद भी बैठा था, यानी सल्तनत भी थे, अवाम का भी हुजूम था। जब आपने खुतबा शुरू किया लोग ज़ारो क़तार रोने लगे और आपने अहले बैत के मनाकब जब लोगों के सामने रखे तो यजीद घबरा गया कि कहीं लोग मेरे गिरेबान तक न पहुंचे। उसने मुअज्जिन को इशारा किया जल्दी जल्दी अजान पढ़ो। तो जब उसने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो हजरत शहजादा ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि इसके अंदर कोई शक नहीं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। जब शहादतैन का कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इसके जवाब के अंदर कहा हाँ हाँ अल्लाह के अलावा कोई मौबूद नहीं है, इसकी गवाही हमने खून से दी है, हमने अपने अपने लहू से दी है इसकी गवाही। और फिर उसके बाद जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे लफ्ज आए तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा यजीद देख अब अजान के अंदर तेरे नाने का नाम है या मेरे नाने का नाम है, आज भी मिंबर पे मेरे नाने का नाम है। तो यजीद मर गया, उसका नाम मर गया, उसका तशख्स मर गया। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन करबला के तपते हुए रेगजार में भी जिंदा था, कूफे के बाजार में भी जिंदा था, और दमिश्क की जामे मस्जिद में भी जिंदा था, मदीने में भी जिंदा, मक्के में भी जिंदा, काबल में भी जिंदा, कंधार में भी जिंदा, किला जंगी में भी जिंदा, तोरा बोरा में भी जिंदा, मोसल में भी जिंदा, बगदाद में भी जिंदा, गजा की पट्टी में भी जिंदा, फलस्तीन में भी जिंदा। आज हुसैन की जिंदगी और हुसैन का बाकपन दुनिया को बता रहा है, बुश को बता रहा है तेरे मुंह पे तमाचा हुसैन मारेगा, जमाना बताएगा कि हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। हुसैन की फिक्र लेके उठो और पूरी दुनिया पे छा जाओ और जमाने को बताओ कि हम हुसैन इब्न अली के सिपाही हैं। सिर्फ मुहर्रम के दिन आंसू बहा लेने से कुछ नहीं होगा। क्या सिर्फ मुहर्रम हुसैन का महीना है? नहीं, सब पूरा साल हुसैन का है, पूरी जिंदगी हुसैन की है, पूरे जमाने हुसैन के हैं। ये सिर्फ आशूर का दिन या आशूर की शब ही हुसैन की नहीं, सारे जमाने हुसैन के हैं। कल भी हुसैन का था, आज भी हुसैन का है, कल भी हुसैन का होगा। आओ उठें, कुरान को लेकर के हुसैन इब्ने अली नेजे की नोक पर भी चढ़ के कुरान सुनाया, और आज हम उसी कुरान की दावत को लेकर के उठें और हुसैन इब्ने अली के पैगाम को घर घर